तालीम हासिल करके जो है, जो पेरेंट्स जो अपने बड़े मेहनत से जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके बाद में जो पेरेंट्स को एक तवक्का होती है अपने बच्चों के ऊपर कि वो पढ़ लिख के जो है एक अच्छा सा जॉब करे और जॉब के बाद में वो उनकी जो है बाकी ज़िंदगी आरामदेह बनाए। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बच्चा पढ़ता है, वो डिग्री हासिल करता है, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई नौकरी ना मिले और उसके बाद में वो ऐसा काम करता है जिससे जो है आम लोग जो है काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई एक डिग्री होल्डर जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, और क्या जान के वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लड़का है मेरे साथ में जिन्होंने जो पीजी होल्डर है, और 2015 में उन्होंने पीजी करके जो है ये चाहा कि वो नौकरी करें, वो अपने माँ बाप का एक सहारा बने, लेकिन उसके बावजूद उसको नौकरी ना मिले और उसने जो अपना जो साइकिल है वो उठाई और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अपना नाम बताए और नाम के साथ ही बताए कौन सी डिग्री आपने हासिल की है और क्या जान के आपने ये बनाया। मेरा नाम है अनायतुल्ला शेख, मैं एचएमगुरी का रहने वाला हूँ। मैंने इजाविया डिग्री हासिल की है तो फिर ये नौकरी मुझे नहीं मिले। मैंने बहुत से फार्म फिलअप किया है लेकिन मेरा मुकद्दर में नहीं था। फिर मैंने एक छोटा सा ये बिजनेस मसाला रोटी शुरू किया है, क्योंकि ये दमहाल हाजीपुरा फार फ्लंग एरिया है, यहाँ ज़्यादा इसमें रोजी रोज़गार इतना मिलता नहीं है, उतना गुजारा नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा यहाँ पे मिलता है। अच्छा, घर में अभी कौन कौन है आप? मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चा और मेरे माँ बाप और एक और भाई है, वो भी उसने भी पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस में, यहाँ पे बेरोज़गारी है। अच्छा, हाँ सर। बाकी जो अभी लड़के बाकी नौजवान जो पढ़े लिखे हैं जिनको अभी रोज़गार मुहैया नहीं है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? मेरी मैसेज उनके लिए यही है कि वो भी कोई ना कोई काम करे, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट हर कोई गवर्नमेंट के लिए नौकरी पढ़ने पढ़ कर हम नौकरी हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद अपना रोज़गार कमाना हम चाहते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुने, इस लड़के ने साफ तौर पर कहा, इस नौजवान ने साफ तौर पर कहा कि इन्होंने डिग्री हासिल करके जो यहाँ पर अपना जो है, हालाँकि ये फारफलंग एरिया है, ज़िले कुलगाम का डीएचपुरा इलाका है, और यहाँ पे उस तरीके का जो बिज़नेस है वो जो फ्लो है वो नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और ये अपने घर में जो अभी इनके बूढ़े माँ बाप है और उनके साथ साथ इसकी बीवी और बच्चे हैं, उनके लिए ये यहाँ पे रोज़गार जो है कमा रहे हैं। इसके बावजूद इनका मज़ीद कहना है कि इनका एक और भाई है जो भी पीजी होल्डर है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया हुआ है, वो भी अभी जो है घर में ऐसे ही बैठा है। तो उनके लिए जो जो अभी जो आपका भाई है जिनने पीजी हासिल किया है, तो उनका क्या प्रोग्राम है? उनका भी यही प्रोग्राम है कि वो भी शायद मसाला के लिए निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब नहीं है सर, इसलिए वो भी आप मसाला के लिए निकले। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आए रोज़ हम देख रहे हैं कि रोज़गार के जो मौके हैं वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख के जिन्होंने जो डिग्री हासिल करके जो अपना रोज़गार खुद कमाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जो नई मिसाल देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उन नौजवानों के लिए भी एक मिसाल है जो अभी रोज़गार जो है जिन्होंने डिग्री हासिल की है और वो रोज़गार की तलाश में है। कश्मीर उज़्ज़मा के लिए मैं कुलगाम से हाज़िर हूँ।